और तालिबान के डर से देश छोड़कर भाग रहे अफगान नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां बरसाई हैं, जिसमें 6 अफगान नागरिकों की मौत हो गई जबकि कई घायल। तालिबान के नए शासकों के सत्ता में काबिल होने के बाद से अफगानिस्तान में स्थिति बहुत खराब है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया के तमाम मुल्क जल्द से जल्द अपने नागरिकों को अफगान से निकालने में लगे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना का क्रूर चेहरा सामने आया है। बाजवा की कायर सेना ने अफगान नागरिकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के डर से देश छोड़कर भाग रहे अफगान नागरिकों पर फायरिंग की है। पूर्वी नंगरहार प्रांत के तोरखम में पाक सेना की गोलीबारी में 6 अफगान नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। हालांकि घटना पर अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के अधिकारियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल तोरखम अफगानिस्तान का एक सीमाई शहर है, जहां से पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर चेक पॉइंट बनाया गया है। अफगान मीडिया भजवोक की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की संख्या में अफगान नागरिकों को अपनी तरफ आते देख पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 6 अफगान नागरिक मारे गए हैं। ये लोग तालिबान के जुल्मों सितम से जान बचाने के लिए पाकिस्तान में अवैध रूप से प्रवेश करना चाहते थे। बता दें, पाकिस्तानी सेना ने इसी महीने 13 अगस्त को स्पिन बोलजेक बॉर्डर पर अफगान नागरिकों पर फायरिंग की थी। ये लोग कई महीनों से पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। कड़ी धूप में इंतजार कर रहे अफगान नागरिक की मौत के बाद भड़के लोगों को काबू करने के लिए पाक सेना ने गोलियां चलाई थी। और अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों के बीच पाकिस्तान के ISPR के डायरेक्टर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़ा बयान दिया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान तालिबान को ट्रेनिंग देगा। आतंक का आका पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त अफगानिस्तान में पैदा हुई दहशतगर्दी को लेकर तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आए दिन पाकिस्तान और तालिबान में साठगांठ के नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब शुक्रवार को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तालिबान को एक ऑफर दे डाला। ISPR के डायरेक्टर ने कहा कि वो तालिबान को ट्रेनिंग देंगे और उनकी मदद करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान पहले अफगानिस्तान में सरकार बनाए, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साफ तौर पर कहा कि तालिबान को पहले अफगान में सरकार बनानी होगी, उसके बाद अगर उन्हें मिलिट्री को लेकर किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो पाकिस्तान को ऐसा करने में काफी खुशी मिलेगी। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान में साठगांठ कोई नई बात नहीं है। दोनों ही आतंकवाद की भाषा बोलते हैं और आतंकी गतिविधियों के समर्थक हैं। हाल ही में अमेरिका ने अफगान आर्मी के सैनिकों को जिन अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया था, तालिबान ने उन्हें लूट लिया है और अब इन हथियारों को तालिबान पाकिस्तान भेज रहा है। इस बात का खुलासा भारतीय सैन्य अधिकारियों ने किया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।